वर्ल्ड हेल्थ डे है। सिवान के दो ऐसे डॉक्टर्स जिन्हें हेल्थ के सेक्टर में एक बड़ा इनका योगदान रहा है और आज इनके बीच हम मौजूद हैं वर्ल्ड हेल्थ डे पर किसी डॉक्टर से बातचीत करना, और ऐसे में हमारे साथ दो डॉक्टर हैं। इस दिन का महत्व हम समझेंगे और आज इसी दिन के बहाने जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी जानने सीखने को बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आप लोगों का। थैंक यू। बताइए पहले ये दिन क्यों खास है? देखिए WHO जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो चीज आया, एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा WHO 1948 में आया। इसका देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, स्मॉल पॉक्स एडुकेशन, और दूसरा आप अपने जिंदगी में कोविड के बारे में देख चुके हैं। लेकिन इसमें क्या है कि लाख कोशिश के बावजूद कुछ चीजें हैं जिसपे हम काबू नहीं कर पाए, वो है आपको महिलाओं में खून की कमी, साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस, ये जो कि क्यूरेबल है लेकिन हम लोग इस पर काबू नहीं कर पाए। तो इस बार इसका स्लोगन है माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट इसलिए इसका नाम दिया गया कि क्या हुआ कि 2021 में एक सर्वे हुआ, उसमें देखा गया क्या कि आउटरीच लोग, वर्ल्ड वाइड आउटरीच लोग जो मतलब दूर के लोग हैं, उसमें मोर देन 50% लोग, लगभग 4.5 बिलियन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ये स्लोगन बना माई हेल्थ माई राइट। अब क्या है कि आपको हेल्थ समझना पड़ेगा, हेल्थ क्या है? तो हेल्थ एक स्टेट है, हेल्थ एक अवस्था है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ सोशल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप डिजीज फ्री हो, हेल्थ का ये मतलब नहीं है कोई बूढ़ा आदमी लंबे समय तक बेड पे लेटा हुआ है और सही सलामत है कि नहीं। हेल्थ का मतलब क्या है कि आपका मन कैसा है, आप प्रसन्न है कि नहीं, बहुत सारे स्ट्रेसर्स जैसे बच्चा को पढ़ाने का स्ट्रेसर, अच्छा स्कूल में पढ़े, दूसरे के साथ कंपटीशन, जमीनी विवाद, फलाना, बहुत तरह का भाई भाई में दिक्कत, ये भी आपकी हेल्थ को प्रभावित करता है। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि आपका शरीर का नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है। सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आपके घर वाले, आपके समाज, आपके देश और दूसरे देश के साथ आपका क्या रिलेशन है और कितना खुशनुमा माहौल है। तो हमारा अचीवमेंट, WHO का अचीवमेंट देख लिए। दूसरा बात क्या है कि लाख कोशिश के बावजूद हम एनीमिया और ट्यूबरक्लोसिस पे काबू नहीं कर पाए। ठीक है, हेल्थ की बात करते हैं। आपने एक जो परिभाषा बताई हेल्थ की, कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस जो है वो सारी बीमारियों का जड़ है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, इस मौके पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बात को कितना सही और कितना गलत माना। देखिए बहुत आप दूर के लेवल पे सोचेंगे, वार जो दो कंट्री के बीच में वार होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है हेल्थ के लिए और अननेचुरल डेथ के लिए और डिसेबिलिटी के लिए। मान लीजिए बम फूटा या गोली चली, आदमी हैंडीकैप्ड हो गया तो उसका तो जिंदगी गया। दूसरा था कन्फ्लिक्ट, दो आदमी के बीच में मतभेद। तीसरा इंटरनल टेररिज्म। चौथा चीज होता है आपको क्या खान पान मिलता है, न्यूट्रिशन। चौथा पांचवा चीज होता है वायलेंस। ये सब फैक्टर्स जो है वो आपके अगल बगल के सराउंडिंग्स को प्रभावित करता है और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे आके सारा मामला अटक जाता है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे अगर बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में कहे, आपने बड़ी उसकी विस्तार ढंग से इसकी परिभाषा बताई, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में आज के दिन एक आम इंसान को कैसे आज के दिन को देखना चाहिए? देखिए आज के दिन को एक बहुत पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। पहली बात क्या है कि आपको 10 एक नया डेफिनेशन आया जिसमें खुशी मिलेगी। हर आदमी को 10,000 कदम रोज पैदल चलना चाहिए। कितना अगर हम डिस्टेंस इसका देख लें, कितना किलोमीटर हो गया? 10,000 कदम। देखिए आप इसमें ड्यूरेशन में इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूरेशन लगभग 40 मिनट, 40 मिनट हफ्ता में 5 दिन, 2 दिन अगर आप मिस भी करते हैं तो कोई बात नहीं। आपका स्पीड, जिस स्पीड से आप नॉर्मल काम काज करते हैं उससे थोड़ा तेज होना चाहिए। पहले 5 मिनट शुरू कीजिए, फिर 10 मिनट जाइए, फिर 20 मिनट जाइए, फिर 40 मिनट जाइए, 20 वाट, लेकिन इतना भी नहीं कि हाँफने लगे, अपने नॉर्मल कैपेसिटी थोड़ा सा ऊपर जाना है। दूसरा बात क्या है कि फ्रिक्वेंट मील लेना है, कहना बार बार खाना है, भले आप एक ही कौर खाइए, कभी फल खा लीजिए, कभी सलाद खा लीजिए, कभी दाल पी लीजिए, कभी गुड़ खाइए, कभी काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, खजूर, कुछ भी खाइए, लेकिन हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खा लेना है। पानी खूब पीना है, कम से कम 3 लीटर रोज। हर किसी भी तरह के टेंशन में नहीं जाना है, रात में बराबर सोना है। एक मोबाइल का लत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समाज को, माँ बाप को, बच्चे को, हर तरह से बाप अलग लगा हुआ है, बेटा अलग लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं से उसके मानसिक हेल्थ को प्रभावित करता है। उसके बाद बहुत देखिए दो टारगेट होता है बीमारी का, हेल्थ का,
दो टारगेट पॉपुलेशन होता है, पहला तो बच्चा, तो इम्यूनाइजेशन हम ठीक से नहीं करा पाते, दूसरा चीज बच्चों का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा होता है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज होता है, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। जब आप जिंदगी में काम काज करना बंद कर देंगे तो आपका अटेंशन लोगों से कम होता जाएगा, इवन आपका बच्चा, आपका बहू, यही लोग आपका केयर नहीं करना चाहेगा, उसके लिए आप बेकार चीज हो जाएंगे। तीसरा वल्नरेबल पॉपुलेशन है फीमेल्स। फीमेल्स में क्या होता है, खून की कमी बहुत कॉमनली देखी गई है और हिंदुस्तान तो इसका बहुत बड़ा ये है, जिसकी वजह से बहुत सारा ऑब्स्टेट्रिक और डिलीवरी संबंधित कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और एक ट्यूबरक्लोसिस, डॉक्टर साहब लोग के लाख कोशिश के बावजूद ट्यूबरक्लोसिस पर हम लोग ठीक से काबू नहीं कर पाए। दूसरी बात, जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं सिवान में चाहे कहीं भी, किसी भी आदमी का इलाज पैसे की वजह से नहीं रुकता है। एक बात आप जान लीजिए, कोई भी स्पेशलिस्ट अगर वो डॉक्टर है तो नहीं रुकेगा। हम कोशिश करते हैं कि आखिरी घर तक पहुंचे, कैंप के माध्यम से या जिस भी माध्यम से, फ्री दवाई प्रोवाइड करके, उनको हेल्थ में जो भी शिक्षा दे करके, जागरूक कर करके, जो भी प्रिवेंटेबल चीज उसको रोक के, जैसे थायराइड है तो थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है फीमेल्स में, तो देखिए उसको तो हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है उससे कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, एक तो क्या हुआ कि मासिक में गड़बड़ी, इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तीसरा चीज क्या है, आदमी सुस्त हो जाता है, शरीर बढ़ जाता है, वो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की तरफ चला जाता है, और बहुत तरह की चीजें होती है, खासकर फीमेल्स में स्लो हो जाती है, ठंड के समय में ज्यादा ठंड लगता है, और इसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी और सारा साइकेटिक बीमारी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आ जाता है। अपने डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर अयाज साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 10,000 स्टेप्स यानी 40 मिनट तक एटलीस्ट चलना, फ्रीक्वेंट मील और स्ट्रेस फ्री रहना, तीन मुख्य बातें इन्होंने कही, इसी को थोड़ा एलाबोरेट कीजिए कि ये क्यों जरूरी है। मैं डॉक्टर आजाद आलम, TBHS फिजिशियन, चकिया रोड सिवान। सर ने जो बताया तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, माई राइट और माई हेल्थ के बारे में सर ने बताया। इसके पश्चात आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्रिस्क एक्सरसाइज जो बोल रहे हैं 40 मिनट्स पर डे चलना चाहिए, उसके लिए आपके जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं जैसे हार्ट अटैक हो गया, एंजाइना हो गया, उसमें आपको प्रिवेंशन मिलता है, और जो भी कोलेस्ट्रॉल से जो प्रॉब्लम होते हैं उससे आप बचाव कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बीपी वगैरह, ये तमाम चीजें ठीक रहती हैं, लंग्स ठीक रहता है, लिवर ठीक रहता है, और ये फ्रीक्वेंट मील का क्या है? कई लोग तो कहते हैं कि खाना कम खाइए, कई लोग बड़े डॉक्टर्स हैं, लिवर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलीम कहते हैं ILBS दिल्ली के, वन मील अ डे कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी दिखती है। फ्रीक्वेंट मील जो उसका थीसिस है, मतलब कि ज्यादा बार खाइए लेकिन कम खाइए। कम देखिए, भले आप एक ही कौर खाइए, दिन भर में आप 12 बार खाइए, 12 बार हाँ। और रात का मील जो होना चाहिए, रात का खाना, इसके पीछे साइंस क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, मेटाबॉलिज्म बहुत आसानी से उपज जाएगा, डाइजेशन बहुत, देखिए खाना जब पचता है तो शुगर का फॉर्म लेता है, तो कहने का मतलब है कि आप थोड़ा कम खाइएगा तो उतना मात्रा में शुगर नहीं बनेगा। जब तक आपको सेकेंड मिल आएगा तो पुराना शुगर ही रिलाइज होगा। दूसरा क्या था, इसमें ओबेसिटी जो है ना मेजर फैक्टर है आज के समय में, तो ओबेसिटी जहाँ आप जो है थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, तो आप ओबेसिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों से बच सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर में कहना चाहूंगा कि पूरा सिवान और सिवान के 15-20 साल के युवक पूरी तरह से नशे के चपेट में है, और इस पर कोई काम नहीं कर रहा है और कोई काम करना चाहता भी नहीं है। इवन माँ बाप जो इस चीज को एक्सेप्ट करने के पक्ष में नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ इशू है यहाँ पे, तो लोगों को आप लोग काम करना चाहिए। क्योंकि ये युवा जो है ना बूढ़ा हो ही नहीं पाएगा, ये बूढ़ा होने से पहले ही चला जाएगा बिना काम किए हुए। डॉक्टर साहब, आजाद साहब लंग से रिलेटेड डिजीज को डील करते हैं, तो इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट आजकल है, इन्वायरमेंट का क्लीन होना कितना जरूरी है, ये कितना असर डालता है? देखिए, जो इन्वायरमेंटल डिजीज होते हैं लाइक अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, इससे आप पॉल्यूटेड जो भी इलाका में आप रहते हैं, जिस इलाका में ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इस आदमी से अफेक्ट डालता है और एग्जर्वेशन हो जाता है इससे। जैसे अस्थमा का मरीज है, अभी गेहूं का कटनी चल रहा है जिसमें ट्रिगर्स फैक्टर रहते हैं, उसमें डस्ट निकलते हैं, उससे अस्थमा का अटैक जो चालू हो जाता है, उसमें एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, नाक नीचिंग होने लगता है, स्नीजिंग होने लगते हैं,
तो या एरिगेटिंग फैक्टर उसको बोलते हैं अस्थमा का, एलर्जिक राइनाइटिस का। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे क्या था फॉसिल फ्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है कि जो पेट्रोल और कार में जो फ्यूल यूज होता है, ये फ्यूल जो यूज होता है तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से स्मग और एसिड रेन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं सिवान में, चाहे मतलब फलाना जगह हिंदुस्तान का ये शहर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और उससे संबंधित क्या क्या बीमारी हो सकती है, डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया। ये समस्या दे रहा है अब इस बदलते दौर में फेफड़ों की हिफाजत कैसे की है। इसमें ऐसे मोस्ट कॉमन जो कॉज रहता है फेफड़े को नुकसान के लिए आपको, सिगरेट, सिगरेट मोस्ट कॉमन कॉज है जो यंग में लोग अभी आजकल पी रहे हैं। और उसके बाद दूसरा चीज होता है आप इंडस्ट्रियल जो वर्क होते हैं, जैसे रंग का फैक्ट्री हो गया, सीमेंट का फैक्ट्री हो गया, उसमें जो काम करते हैं वर्कर करते हैं, उसमें छोटा छोटा डस्ट जाके आपके फेफड़ा में जाकर बैठ जाते हैं, उसका अलग बीमारी ऑक्यूपेशनल हजार्ड में आते हैं उसको बोला जाता है। तो वो नौकरी करते हैं इसमें, और जो सिगरेट जो पीते हैं उसके लिए आपको बचाना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ता है कि सिगरेट नहीं पीना है क्योंकि लंग्स खराब हो जाएगा। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आते हैं, लंग कैंसर जिसको बोला जाता है। तो आपको क्विट कराना है कि स्मोकी नहीं करना, टोटली बंद कर देना है। इसका कोई एक्सरसाइज बताइए। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। एक बार मैं बेंगलोर एग्जाम देने गया था तो मेरे साथ एक लड़का था जो कि सिगरेट पी रहा था, तो वहां का जो नेटिव लोग बाकी जो लोग हैं उन लोगों ने टोका कि आप सिगरेट नहीं पी सकते यहाँ पे क्योंकि ये जो है स्मोक फ्री जोन है। तो कहने का मतलब है कि जो एक्टिव स्मोकर से ज्यादा नुकसान पैसिव स्मोकर होता है। जैसे आप अगल बगल खड़े हैं तो एक सिगरेट पीने वाला आदमी 10 आदमी को उस समय अफेक्ट कर सकता है। जी जी, लास्ट में वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे एक एक करके डॉक्टर पंकज साहब, पहले आपको क्या मैसेज होगा समाज को? डॉक्टर साहब देखिये, मेरा तो मैसेज होगा, दो मैसेज होगा। एक तो मैं इधर बहुत सारे स्कूल में आता जाता रहता हूँ, मैक्सिमम स्कूल में मैंने टॉपर्स लड़कियों को देखा है। 10 अगर स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं तो उसमें 8 लड़कियां रह रही हैं, 2 लड़के रह रहे हैं। तो आपको एक चीज तो इंपॉर्टेंट है, जो लोग पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। दूसरा, युवक जो नशे की चपेट में जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से रोकना होगा। देखिए, दो तरह का नशा हमारे यहाँ अवेलेबल है, एक तो जो आता है आपको अफगानिस्तान से स्मैक, और दूसरा आता है आपको म्यांमार से, बर्मा म्यांमार से। अफगानिस्तान वाला प्योरेस्ट फॉर्म है और ये जो है थोड़ा सा मिक्स्ड होता है, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता जो बर्मा म्यांमार वाला। लेकिन जो हम लोग को मिलता है, एक्चुअली में स्मैक बहुत महंगा होता है, लेकिन जो हम लोगों को मिलता है वो बहुत ही मिक्स्ड फॉर्म होता है, उसमें स्मैक 20% और 80% डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि बेचने वालों ने व्हाइट पाउडर के नाम पर जहर तक मिला दिया है और मौतें हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। नशा और बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नशे से युवाओं को मुक्त करो। अगर दूर तक क्या मैसेज है? मैसेज रहेगा कि आप जो भी आप एनवायरमेंट रहते हैं उसके साफ रखिए, और स्टॉप स्मोकिंग, और जिस शहर में रहते हैं उसको आप नीट एंड क्लीन